हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम GCS स्कूल। आज हम क्लास फिफ्थ में चैप्टर नंबर 9 क्यूरियस टाउन के क्वेश्चन आंसर राइट करवाएंगे। कल हमने आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर राइट कराए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन आंसर हम आपको राइट कराएंगे। कल हमने 1 to 5 राइट कराए थे, आज हम 6 to 10 कंप्लीट कराएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इज द क्रॉप इन द पोइम डेड एंड लाइफ इन The poem Dead or Alive? कविता में जो कौआ है वह जिंदा था या मरा हुआ था? आंसर इज कैसा था? वो was dead, यानी मरा हुआ था। तो आंसर लिखेंगे हम, द क्रो इन द पोएम वॉज डेड। हाँ, कैसा था वो? कविता के अनुसार वह मरा हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 7 है, व्हाट साउंड डज द व्हाट साउंड डज द क्रॉमिक क्रॉ मेक कौआ कैसी आवाज निकालता था? तो आंसर इज क्रॉ मेक ए रॉर साउंड। कैसी आवाज निकालता था? क्रॉ मेक ए रॉर साउंड, मरे हुए कौए जो है दहाड़ने की आवाज निकालते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी लेग आर मेंशन हाउ मेनी लेग आर मेंशन For the essays, and the men, कविता में गधों के और आदमियों के पैरों कितने पैरों का उल्लेख किया गया, यानी कि कविता में कितने पैर आदमी के हैं और कितने गधे के हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो आंसर है, कितने पैरों का उल्लेख किया गया? बच्चों, हमने कविता की रीडिंग भी कराई है आपको और आपने खुद से भी की होगी। चलिए हम आंसर लिखते हैं इसका, द एसेज द Asses have only two legs, while the men have four,
तो कविता में गधों के केवल दो पैर और आदमियों के चार पैरों का उल्लेख किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एंड देयर यू कैन सी ए मोस्ट, एंड देयर यू कैन सी ए मोस्ट क्यूरियस, ए मोस्ट क्यूरियस टाउन, क्यूरियस साइट। वट इज द क्यूरियस, वट इज द क्यूरियस साइट दैट द पोइट इज टॉकिंग अबाउट, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट। और अब सबसे अजीब दृश्य, कवि ने अजीब अजीब साइट पे किस अजीब दृश्य की बात कही है? तो किस अजीब दृश्य की बात कही है? आंसर है हमारा, आंसर इज द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द डेड द डेड क्रॉ हु मेक ए रोर साउंड, क्रॉ हु मेक ए रोर साउंड। तो कविता में किस अजीब दृश्य की बात की है? तो कविता में कवि ने जिस अजीब दृश्य की बात की है उसमें मरे हुए कौए दहाड़ने की आवाज निकालते हैं, इस अजीब दृश्य की बात की गई है। क्या की गई है? कि मरे हुए कौए दहाड़ने की आवाज निकालते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, Why does the poet call? Why does the poet call the town curious? Do you think? This town is real. This town is real. This town is a real place. Explain with a suitable reason. Reason.
कवि ने अजीब शहर को, अजीब शहर क्यों कहा, शहर को अजीब शहर क्यों कहा है, और क्या ऐसा अजीब, वास्तव में ऐसा कोई शहर है, और यदि है तो सही रीजन के कारण आप सही कारण के साथ स्पष्ट करें, यानी एक्सप्लेन करें। तो आंसर इज तो कवि ने शहर को अजीब शहर क्यों कहा है, तो आंसर है इज क्यूरियस टाउन इन क्यूरियस टाउन डॉग्स म्याउस डॉग्स म्याउ एंड कैट वार्क फायर फ्लो इन रिवर एसिस हैव टू लेग्स हैव टू लेग्स व्हाइल व्हाइल मैन हैज फोर लेग्स दैट्स वे दैट्स व्हाई पोइट कॉल्ड द टाउन क्यूरियस द टाउन क्यूरियस नो वी डू नॉट We don't think that this town is a real place, is a real place. अजीब शहर को, अजीब शहर में जो है कुत्ते म्याऊ की आवाज बिल्ली की आवाज करते हैं और बिल्लियां कुत्ते की आवाज करती हैं, और नदी में जो है आग बहती है, गधों के दो पैर होते हैं जबकि आदमियों के चार पैर बताए गए हैं, तो इसीलिए कवि ने उसको अजीब शहर कहा है। नहीं, वास्तव में ऐसा कोई शहर नहीं होता। तो बच्चों ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, और इसके साथ ही चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। आज के लिए आपका होमवर्क है, लर्न एंड राइट क्लास वर्क इन नोटबुक। आज की क्लास में इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।